दोस्तों वेलकम बैक टू गवर्नमेंट जॉब वाला एसएससी प्रिपरेशन। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि एसएससी चैनल पर 2022 का जो एग्ज़ाम 17 और 18 नवंबर को हुआ था, उसकी जो फाइनल कट ऑफ है ग्रेड सी की ऑल कैटेगरीज की, वो कितनी जा सकती है, इस बारे में हम बात करेंगे। और आपको बता दूं कि इसको एग्जैक्ट कट ऑफ प्रिडिक्शन मत समझिएगा, क्योंकि अभी कुछ आइडिया नहीं है कि वैकेंसीज कितनी जा सकती हैं और जो स्किल्ड बच्चे जो है कितने क्वालिफाई करने वाले हैं, ठीक है, क्योंकि स्किल बहुत जल्दी है तो 80% बच्चे जो है फेल होने वाले हैं। चलिए हम शुरू करते हैं कट ऑफ प्रिडिक्शन। देखिए, आपको सब पता रहेगा जब रिजल्ट आया था तो एससी की जो कट ऑफ गई थी वो 114 गई थी, ठीक है। तो अगर एससी की हम बात करें तो मैक्सिमम कट ऑफ कितनी बढ़ सकती है उसकी हम बात करेंगे, तो मैक्सिमम 125 से 130 तक जा सकती है, उसके ऊपर नहीं जाएगी, ठीक है, मैक्सिमम बता रहा हूँ आपको। अब एसटी की अगर बात करते हैं, एसटी की जो कट ऑफ गई थी ग्रेड सी की वो गई थी 105, ओके। तो एसटी की जो कट ऑफ बढ़ सकती है मैक्सिमम वो 120 से 125 बढ़ सकती है, ठीक है। हालांकि 125 पहुंचना बहुत मुश्किल है, 120 के अंदर ही अंदर ये रह जाएगी। देखिएगा आप, ओबीसी की अगर बात करते हैं जो कट ऑफ गई थी ग्रेड सी की 129 गई थी, और उसकी जो फाइनल जाने के चांसेस है वो 142 से 147 है, ओके, ज़्यादा कट ऑफ नहीं पड़ने वाली है। ईडब्ल्यूएस की बात करें 130 कट ऑफ गई थी, और जो फाइनल कट ऑफ जा सकती है वो 140 से 145, और यूआर की कट ऑफ जो गई थी 130, और फाइनल कट ऑफ जा सकती है 142 से 147। तो आप लोगों को एक बात को बहुत ही अच्छे से ध्यान रखना है कि कट ऑफ इतनी कम मैंने क्यों बढ़ाई हुई है, क्योंकि देखिए दो फैक्टर हैं, मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था। पहला ये है कि वैकेंसीज काफ़ी ज़्यादा होने वाली हैं, क्योंकि भाई साहब उन्होंने 60,000 बच्चे बुलाए हैं, तो अगर 60,000 बच्चे बुलाए हैं तो फालतू तो नहीं बुलाए होंगे, ऑब्वियस बात है वैकेंसी ज़्यादा तो होंगे ही ना। एसएससी हमेशा 18 से 20 गुना बच्चे बुलाता है जो उसकी वैकेंसी होती हैं, ये एसएससी हमेशा से करता है। आप कोई भी किसी भी साल का एग्ज़ाम उठा करके देख लीजिए, जब भी स्किल टेस्ट में बच्चे पास किए हैं तो जितनी वैकेंसी रहती है लगभग लगभग उससे 18 से 20 गुना बच्चे एसएससी बुलाता है, ठीक है। तो उसी हिसाब से इस बार भी किया जाएगा। तो अगर हम 18 से 20 गुना लेकर के चलें तो 26-27 वैकेंसी तो ऑटोमेटिकली हो ही रही है, ठीक है। और अभी कल ही एक चीज़ बाहर आई है, न्यूज़ बाहर आई है कि सीबीडीटी में ही अकेले 1092 वैकेंसी हो गई हैं। तो इस तरह से वैकेंसी बढ़ रही हैं, तो वैकेंसी 3500 प्लस भी जा सकती हैं। तो अगर वैकेंसी 3500 प्लस जाती हैं या 3000 भी रह जाती हैं, तो ये जो कट ऑफ मैंने बताई है ना, ये इससे भी ज़्यादा गिर जाएगी, क्योंकि 100 वर्ड्स पर मिनट की स्किल की टेस्ट क्वालिफाई करना मजाक नहीं होता है, 80 वर्ड्स भी नहीं होता है, बट 100 तो बिल्कुल भी चांस ही नहीं है कि वो मजाक है, ठीक है। तो जितने भी लोग को स्किल टेस्ट सॉरी स्टेनो पहले से आती भी होगी ना, उनको भी प्रॉब्लम हो रही है कि वो कैसे स्पीड बना पाए, कैसे वो लोग अच्छे से लिख पाए और उसको ट्रांसक्रिप्शन कर पाए, उनको तक प्रॉब्लम हो रही है। तो जो लोग नए सीखे हैं उनको तो बहुत प्रॉब्लम होने वाली है, उनका निकलना तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। तो मैं डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, और आप लोगों को एक साफ बात बोलूँगा, अगर आप पे कट ऑफ से 5 से 6 नंबर भी ज़्यादा है तो भी आप जाइए और स्किल टेस्ट दे करके आइए। इससे क्या होगा, पहली बात तो कुछ आइडिया नहीं है एग्जैक्ट कि कट ऑफ कितनी जा सकती है, जितनी मैंने बताई है इससे कम ही जाएगी, ओके। और 2023 का एग्ज़ाम जो है वो बगल में लगा हुआ है, ठीक है, 2023 का एग्ज़ाम जब लगा हुआ है तो आप जब दे करके आएंगे तो आपको स्किल टेस्ट का एक्सपीरियंस होगा, और आपको जो स्किल टेस्ट होगा 2023 का वो इसी साल के लास्ट तक या अगले साल की जनवरी तक होने के चांसेस हैं, ठीक है, जैसा इस बार हुआ है उससे भी जल्दी होगा इस बार, आपको बिल्कुल टाइम नहीं मिलेगा। तो जाइए स्किल टेस्ट दे करके आइए अच्छे से, और कट ऑफ जितनी मैंने बताई है इसके ऊपर नहीं जाएगी, किसी भी हाल में नहीं जा सकती है, ठीक है। ये मैक्सिमम कट ऑफ मैंने आपको बताई है, क्योंकि वैकेंसी बहुत ज़्यादा है और स्किल टेस्ट बहुत जल्दी लगा हुआ है, प्रिपेयर करने का बच्चों को टाइम नहीं है। जिनको इस चैनल आती थी सिर्फ वही बच्चे हैं जो क्वालिफाई कर पाएंगे, उसमें से भी कई लोग नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इतना आसान नहीं होता है इस चैनल का जो टेस्ट है वो क्वालिफाई करना, ठीक है। तो ये थी दोस्तों छोटी सी वीडियो, अगर वीडियो पसंद आई हो प्लीज़ लाइक करिएगा, और चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करिएगा, और अगर आप लोग मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, इंस्टा आईडी डिस्क्रिप्शन में है, आप जाकर के मुझे फॉलो कर सकते हैं, मुझसे जुड़ सकते हैं, और कोई भी क्वेश्चन हो पर्सनली मुझसे पूछ सकते हैं। तो वीडियो पसंद आई हो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।